बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम सूजी के गोलगप्पे बना रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बड़े ही क्रिस्पी होते हैं। इसको आप एक वीक तक आराम से सेव कर सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं पड़ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। देखें, मैंने एक कप बारीक वाली सूजी ली है। थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ उसमें, 1/4 टीस्पून, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको गूंदेंगे। सूजी के गोलगप्पे बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बड़े क्रिस्पी होते हैं बनिस्बत आटे के या मैदे के गोलगप्पे के। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है। देखने में सूजी है लेकिन बहुत आसान है। ये देखें, इसको थोड़ा थोड़ा सा इसको करके अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे ताकि सूजी फूल जाए। अब ये देखें, मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब उसके अंदर हम अच्छे से इसको गूंद लेंगे। आप चाहें तो आटे में भी ऐड कर सकते हैं ऑयल, चाहें तो इस तरह से जैसे मैंने ऐड किया है। इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। देखें कितना सॉफ्ट, बिल्कुल कोई नहीं कहेगा कि ये सूजी का पेड़ा है, कितना ज़बरदस्त है। अब हम इसको बेल लेंगे अच्छे से। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और मुझे कमेंट कर लें। बहुत बारीक सा पतला बेलिएगा, जरा मोटा होगा तो वो बहुत मोटे मोटे से लगेंगे गोलगप्पे। बहुत नरम होने, पतले होने चाहिए और अच्छे बनना चाहिए खूबसूरत से, वरना ज्यादा मोटे होंगे तो फूलेंगे नहीं आपके। बारीक हमने इसको बेल लिया है पतला। अब इसको हम एक कटर से या किसी भी इससे कवर से ढकने से इसको काट कटिंग कर लेंगे। इस तरह से सारे कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा और बिल्कुल ओवल सा शेप दे देंगे। असल गोलगप्पे का शेप यही होता है, देखें इसको हम थोड़ा ओवल शेप दे देंगे और इसको थोड़ा सा पतला और कर लेंगे क्योंकि ये थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं जब इस तरह से आप उठाएंगे बेल के। अभी दोबारा से हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा बेल लिया है। ये देखें, अब इसको इतने बारीक से देखें कितने खूबसूरत से गोलगप्पे बने हैं। इसको अब तेज गर्म ऑयल में तलेंगे, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए वरना फूलेंगे नहीं। ये तेज गरम ऑयल होगा, फटाफट फूलते जाएंगे और ज़बरदस्त से इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। देखें सारे कितनी तेजी से फूल फूल के ऊपर आ रहे हैं। सारे फूल गए। अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे हम। गोलगप्पा ऐसा नहीं है कि जो फूला नहीं हो, बेहतरीन से बन गए ये। अब हम चटनी बना लेंगे। पहले हम मीठी चटनी बनाएंगे। ये देखें, मैंने इमली घोल के रखी थी, तकरीबन 150-200 ग्राम इमली घोल के रखी थी।
इसमें हमने थोड़ी सी बचा ली है, 50 ग्राम के करीब 100 ग्राम हमने डाली है, और इसमें हम 150 ग्राम में गुड़ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गुड़ थोड़ा फीका होता है इसलिए इमली से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। और गुड़ की चटनी बहुत मज़े की लगती है, इसको आप बना लें एक दफ़ा और इसको सेव करके फ्रिज में रख लें, 15 से 20 दिन तक आराम से चलती है ये। थोड़ा सा इसको कवर कर देती हूँ ताकि गुड़ घुल जाए। ये देखें, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून रेड चिली डाली है मैंने, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ही सौंठ डाली है इसमें। देखिए मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर घोल के रखा है, इसको हम थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि ये जो गुड़ ऐड किया है तो पतला हुआ है तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। मैंने पूरा 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है, अभी थोड़ा सा पकाएंगे, देखिएगा कितनी ज़बरदस्त सा हो जाएगा ये थिक। बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए और अब हम इसको उतार के रख लेंगे। अब हम बनाएंगे पानी इसका। ये देखिए मैंने हरा धनिया की 1 गड्डी ली है और 1/2 गड्डी मैंने ली है पुदीने की। इसके अंदर 2 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक बारीक काट लिया था और 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। और ये जो इमली का पानी हमने बचाया था वो मैं ऐड कर रही हूँ और इसको हम बारीक पीस लेंगे। टाटरी नहीं डालेंगे इसमें क्योंकि वो गला ख़राब करती है और अजीब सा टेस्ट होता है, तो इसलिए इमली का पल्प यूज़ किया है इसमें। ये देखें, जितना भी आपको ये देखें ठंडा पानी ऐड करें, बिल्कुल बर्फ़ का चिल्ड इसके अंदर। ये पानी बहुत ज़बरदस्त, नमक ऐड कर रही हूँ इसमें, इसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, सौंठ मैंने 1/2 टीस्पून डाली है और इसमें चाट का मसाला ऐड किया 1/2 टीस्पून। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो छान लें आप, नहीं तो बस ऐसे यूज़ कर लें। बहुत ज़बरदस्त पानी लगता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें हमारे गोलगप्पे बिल्कुल तैयार हैं। मेरा इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें आप, मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।